मेरे राम तुमको नमन, है मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम नमन, मेरे राम तुमको नमन। क्या थे भगवान? रघुकुल का सूरज जो बन के आया और अंतिम समय तक सभी को निभाया, विषम काल में भी जो बिल्कुल ही सम था रहा आम बन के जो ईश्वर स्वयं था, पयोधि मीठा जल था वो घट घट कवासी था, बिल्कुल सरल था, है आंसुओं से करते स्तवन, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुम। बस अब गीत की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। बिल्कुल कम भूमिका में आपको समझा दूं, भगवान जब वनवास को चले गए तो भगवान के मन को जाने के बाद और दशरथ जी के प्राण त्यागने से पहले दशरथ जी ने मन ही मन भगवान को याद करके एक संदेश दिया। क्या कहा राजा दशरथ ने भगवान को याद करके मन ही मन, सुनिएगा। मेरे सिर मुकुट हो मेरी शान हो तुम, रवि कुल के शोणित की पहचान हो तुम, मेरी वाणी अधरों की मुस्कान हो तुम, तड़पते हुए को अभयदान हो तुम। यदि मैं धनुष हूँ मेरे बाण हो तुम, यदि मैं धनुष हूं मेरे बाण हो तुम, मैं खाली बदन हूं मेरे प्राण हो तुम, पड़ा मुझको नारी वचन था निभाना, मगर तुम किसी की न बातों में आना, लौट आओ नहीं जावन, वाह मेरे राम तुमको नमन। क्या कहने, वाह 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 वाह, मेरे राम तुम। आइए एक मेरे मन का बंद पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत भैया। गीत की भूमिका को थोड़ा छोटा करता हूँ। युद्ध की अंतिम रात है और पट रानी मंदोदरी रावण से निवेदन कर रही है। यहाँ पर हमने शहीद परिवारों उनके अर्धांगिनियों का सम्मान किया। मैं यहाँ उपस्थित सभी स्त्रियों को नमन करते हुए उन सबके मन की एक बात कहना चाहता हूँ। मंदोदरी ने निवेदन किया, दीदी जितने भी व्रत उपवास तीज त्योहार होते हैं, एक सुहागन स्त्री का केवल एक सपना होता है कि वो जब भी इस दुनिया से जाए एक सुहागन के रूप में जाए। क्या बात, मैं गीत की भूमिका को छोटा करके पढ़ूंगा लेकिन बस आप इस प्रसंग के भाव को समझना। मंदोदरी ने एक निवेदन किया रावण से। क्या निवेदन किया? स्वागत भैया। सीता के लिए दिल में क्यों खोट रख ली, पतिव्रत में जिसने तिनके की ओट रख ली, था एक रात में मैंने देखा ये सपना, न कुछ भी बचा ना बचा कोई अपना, लिए सात फेरों के बंधन न तोड़ो। वाह, अरे क्यों डरती है? मंदोदरी ने फिर निवेदन किया, लिए सात फेरों के बंधन न तोड़ो, मुझे मार डालो या भी मार
मेरी भिक्षा मरूं मैं सुहागन, न अनहोनी हो ये समय जाए बीता, ये कह के बैठ जाइए आप समय से बचे। ये नान हो नी हो ये समय जाए बीता, ये कह के ही दे दो उन्हें उनकी सीता, रख लो मुझको भी अपनी शरण, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको। आइए गीत की भूमिका को बिल्कुल छोटा करते हुए अंतिम बंद आपके बीच में रखता हूं अपना, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। एक बहुत जरूरी विषय भाई साहब, पूरी दुनिया ने आज तक रामायण काल से लेकर आज तक भगवान श्री राम को गलत ठहराया कि भगवान ने माता की अग्नि परीक्षा करवाई या माता गर्भवती माता सीता का परित्याग कर दिया। सुनिएगा भाई साहब, अकेली माता सीता ऐसी थी जिसने भगवान का पक्ष रखा। वापस वाल्मीकि आश्रम जाते जाते माता सीता ने भगवान से सांत्वना में एक बात कही, अगर मैंने ठीक ठीक लिखा हो तो आपकी तालियां मुझे विदा करेंगी। मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं, क्या कहा माता सीता ने, सुनिएगा। स्वयं जो कभी भी न दर्पण निहारे वो क्या जान पाए समर्पण तुम्हारे। माता सीता कह रही है भगवान से, स्वयं जो कभी भी न दर्पण निहारे वो क्या जान पाए समर्पण तुम्हारे। अथाह प्रेम संबल से आकृत किया है मुझे राम तुमने परिष्कृत किया है। बहिष्कृत नहीं मैं अलंकृत रहूंगी। क्या भाषा भाई साहब, वाह 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 वाह, क्या भाषा है। बहिष्कृत नहीं मैं अलंकृत रहूंगी, यदि ना गई जीते जी मृत रहूंगी। क्या बात है, प्रजा ने अगली पंक्ति पे पूरा सदन दोनों हाथ खोले, यदि ना गई जीते जी मृत रहूंगी। प्रजा ने कहा कैसे इंसान हो तुम, प्रजा ने कहा कैसे इंसान हो तुम, उन्हें क्या बताऊं कि भगवान हो तुम। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, दोनों हाथों को 30 सेकंड तक तालियों में बदलकर मेरे चतुर्भुज राम के चरणों में अभिषेक कर देना और मुझे विदा करना। प्रजा ने कहा कैसे इंसान हो तुम, उन्हें क्या बताऊं कि भगवान हो तुम। तुम्हारे धर्म में न व्यवधान होगा, जहां भी रहूं बस यही ध्यान होगा। पाऊं तुमको मैं जब लूं जन्म, मेरे राम तुमको नमन। क्या बात है, जरा पूरा सदन दोनों हाथों को उठाए मेरे साथ गाए, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन। क्या कहने भाई भाई, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।